फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अजय जी, एडिबल ऑयल में क्या लग रहा है आपको? देख रहे हैं कि तेल तिलन में तेजी तो देखने को मिल रही है और सोयाबीन भी, यूएस सोयाबीन फ्यूचर भी काफी तेज हुआ है, $1700 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, सोयाबीन, सीपीओ, रिफाइंड सोया ऑयल, इनमें अब कितनी मंदी तेजी बाकी है? देखिए, मंदी के कारण तो मेरे को कोई ऐसे जल्दी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे को इंडोनेशिया ने भी क्लियर कर दिया कि हम B30 B40 वाले जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रखेंगे। सेकेंडली, अगर आप तेल के भाव देखें, ये भी तेज चली गए हैं, जिसके चलते बायोफ्यूल की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। पर डोमेस्टिक मार्केट में जो अभी थोड़ा ड्रॉप लग रहा था वो इंटरनल क्रॉप की वजह से था, मस्टर्ड का। तो आई थिंक जब तक क्रूड के भाव में कमी नहीं आती है ना, आई थिंक कोई भी ऐसी मंदी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। हाँ, ऊंचे भाव की वजह से हमारा मानक ऐसा बन चुका है कि भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अभी हमको नहीं बाय करना चाहिए। बट आप देखिए, आज सोना है, सोना 52,000 का भाव आ चुका है, आपने बाय नहीं किया, जिसका मतलब ये थोड़ी कि सोना नहीं बढ़ेगा। सोना अपने फंडामेंटल पे बढ़ रहा है। तो सिमिलरली ऑयल में अभी भी तेजी है, पॉलिट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड सोयाबीन की बढ़ना चालू हुई है, रिकवरी चालू हुई है जी। और चाइना भी पिछले हफ्ते में अपने कुछ कोटा को रिवाइज किया था। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ऑयल सेक्टर अभी भी तेजी है। खाली क्रूड पे ध्यान रखिए, अगर क्रूड में कोई बड़ा मटेरियल फॉल आ जाता है उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, अदरवाइज ट्रेंड पॉजिटिव है जी।